इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर अपनी उंगली दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट, आपके लिए वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र का 10 साल का प्रडिक्शन लेके आया हूँ। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध होता है और ये स्टार जो नक्षत्र है वो सीनियोरिटी में माना जाता है और इनका जो लॉर्ड है, भगवान है, विष्णु माना जाता है। बुध का प्रभाव इस नक्षत्र पे काफ़ी रहता है और इनको एल्डेस्ट और सीनियरिटी की पोजीशन में हमेशा माना जाता है। व्यक्तित्व में अगर बात करें, ये व्यक्ति अपना चरित्र अगर उत्तम रखते हैं तो बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुए, किसी टीम के कैप्टन हुए, कमांडर हुए और पॉलिटिकल लीडर आदि, अगर ये चरित्र अच्छा रखें तो इन ऊंचाइयों पे ये पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये श्रमिक, इंजीनियर, परिश्रम और लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत होती है और ये हर समस्या को सुलझाने के लिए माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति दानी भी होते हैं और प्रदान, संतोषी, धर्मात्मा, प्रतापी और इन चीज़ों में प्रतिष्ठ होते हैं। यदि इनका बुध और मंगल ग्रह कुंडली में खराब हो तो ये अपने करीबी रिश्तेदारों को भी धोखा दे देते हैं। अगर ये किसी चीज़ पर जिद करें या क्रोधी किसी चीज़ पर क्रोध करते हैं तो इनका भाग्य बंद हो जाता है, भाग्य नहीं बनता है। ऐसे जातक को हम गुस्सेल या गुस्से वाले और गुस्से से पूर्ण मिजाज वाले जातक कहते हैं। और ये लोग जो है शारीरिक तौर पे देखा जाए तो हष्ट पुष्ट होते हैं और इनके अंदर मंगल की वजह से ऊर्जा काफ़ी होती है और इनका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है। और ये लोग अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से काम करते हैं, दूसरों को कहने पर नहीं करते हैं। दूसरों की सलाह ये जल्दी मानते नहीं हैं और इन लोगों को जिद्दी भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो ये लोग खुले विचार वाले होते हैं, किसी भी अगर किसी विषय के ऊपर बात करें तो ये जल्दी समझ जाते हैं। और अगर ये हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं तो कई बार ये उसमें गलती कर देते हैं। और अगर आपने कुछ पाना है ज़िंदगी में या बनना है तो आपको दूसरों को प्रभावित करके उनसे प्रशंसा व सम्मान पाने के लिए बहुत कार्य करने पड़ेंगे। इनका मन साफ और अंदर से स्पष्ट होता है। ये कई बार दूर दूर क्षेत्रों में जाकर भी काम करने से नहीं चूकते, साहस काफ़ी होता है। वक्त की ये कीमत समझते हैं, वक्त को व्यर्थ नहीं करते और व्यर्थ की बातों में इनका समय बर्बाद ना हो इसलिए वक्त का ये पूरा ध्यान रखते हैं। चाहे ये लोग व्यापार करें या नौकरी करें, दोनों में इनको काफ़ी कामयाबी मिलती है। नौकरी अगर करते हैं तो ये उच्च पद पर जाते हैं, व्यापार करते हैं तो काफ़ी हाइट व्यापार में धन लाभ कमाते हैं। और 18 से 26 साल तक इनका जीवन जो होता है वो काफ़ी हार्डशिप और संघर्ष वाला होता है। अगर ये लोग मादक पदार्थों जैसे कि शराब, अंडा, मीट से दूर रहें तो इनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा बना रहता है, नहीं तो इनके स्वास्थ्य जो है आगे चल के काफ़ी ख़राब होना लग पड़ता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि का ये करेक्टरिस्टिक था नक्षत्र का।
अब हम बात करेंगे ज्येष्ठ नक्षत्र वृश्चिक राशि का, जो आने वाला 10 साल का टाइम है वो कैसा रहेगा। तो गुरु की पोजीशन अगर ज्येष्ठ नक्षत्र की देखा जाए तो लगन में बैठी हुई है। अभी अनुराधा नक्षत्र में 30 दिसंबर तक ये गुरु रहेगा, उसके बाद ये बुध के नक्षत्र में ही गुरु चला जाएगा। तो बृहस्पति का जब बुध के नक्षत्र में जाएगा तो ऐसे जातक को माइंड में इंटेलिजेंसी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि बुध की राशि इनकी मिथुन राशि अष्टम की है। रिसर्च माइंड वाले होते हैं ऐसे लोग, और इनको लाभ कराएगा व्यापार से, क्योंकि कन्या राशि 11th हाउस की राशि है। और अगर बात करें शनि का जो है इनका ट्रांजिट वो 2nd हाउस में, शनि की साढ़सती नक्षत्र शुक्र के में प्रवेश कर चुका है। इनका 12th हाउस और 7th हाउस को शनि हिट कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी विदेश की यात्राएं और जो पार्टनरशिप से लाभ होने वाला है वो शनि इस समय दिखा रहा है। पत्नी के साथ भी ट्यूनिंग अच्छी शनि बनाएगा, क्योंकि शनि अपने फ्रेंड के नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। अब ये शनि जो है इनका नेक्स्ट जनवरी 2020 में जब कुंभ राशि में, मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो शनि का ये ट्रांजिट जो है तीसरे भाव में इनका पराक्रम में चला जाएगा। तो उस समय ये शनि जो है उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाने से ये 10th हाउस को हिट करेगा। 10th हाउस को जो होता है हमारा फादर का व्यापार का, प्रोफेशन का भी होता है, व्यापार में बढ़ोतरी करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा और फ्लोरिश करेगा बिजनेस को। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे बुध इनका गोचर में ट्रांजिट करेगा, क्योंकि अभी बुध वक्री और अस्त चल रहा है, बुध जो है इनका सूर्य की वजह से अस्त है क्योंकि वो स्कॉर्पियो राशि में है। तो बुध जैसे जैसे इनका 28 दिन में परिवर्तन करेगा राशि, तो इनको वैसा ही इफ़ेक्ट जल्दी मिलता है, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र का बुध नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। इनके अंदर जो मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो बुध की होती हैं, जिसकी वजह से ये लोग बुध की सपोर्ट से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ऊपर से जो शनि का ट्रांजिट है मकर राशि में, वो ड्रास्टिकली इनका साहस में तीसरे भाव में आने से पराक्रम में वृद्धि करेगा। और उसकी तीसरी दृष्टि शनि की पंचम भाव में विद्या पर पड़ेगी, और सातवीं दृष्टि इनकी शनि की कर्क राशि में भाग्य पर पड़ेगी, और दसवीं दृष्टि इनकी शनि की उच्च राशि पे पड़ेगी जो कि तुला राशि है। तो फौरन से लाभ दिलाएगा इनको ये शनि, काफ़ी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। अब यही शनि जो है दोस्तों श्रवण नक्षत्र में सन 2021 को जब नक्षत्र बदलेगा, तो चंद्रमा के नक्षत्र में जब एंटर करेगा तो शनि जो है भाग्य को हिट करेगा, क्योंकि कर्क की राशि जो है वो 9th हाउस की राशि है। और गोचर में बुध और चंद्रमा जैसे जैसे ट्रांजिट करेंगे वैसे वैसे शनि का प्रभाव बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि शनि कोई भी ग्रह है वो जब जिस नक्षत्र में जब एंटर करता है उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है उसको प्रभावित करता है। तो जो हमारी ज्योतिष की प्रेडिक्शन जो आती है एक्यूरेट बन के, वो नक्षत्रों से बनती है, क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के लॉर्ड होते हैं, सब लॉर्ड होते हैं, उनके पद होते हैं, तो उसी हिसाब से राशियां भी बनती हैं। तो नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ड्रास्टिकली हमारी लाइफ में पड़ता है। तो ज्योतिष जो है वो बिना नक्षत्र से अधूरा है। नक्षत्रों के बिना अगर कोई ज्योतिष करता है तो मेरे ख्याल से वो ज्योतिष नहीं है, या तो उसको नॉलेज नहीं है, वो वन साइडेड प्रडिक्शन करता है। इसलिए मेरी जितनी भी प्रडिक्शन जाती है वो हमेशा ही एक्यूरेट जाती है, चाहे वो मैं देश की करता हूँ या पॉलिटिकल पार्टियों की करता हूँ या किसी नेता की करता हूँ। आप मेरा फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी भी चेक कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है नीचे दोस्तों।
अब ये शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के 2017-2022 को प्रवेश करेगा। अब ये मंगल का जो नक्षत्र है शनि, स्कॉर्पियो राशि वालों को लगन को देखेगा, क्योंकि वहाँ पे मंगल की राशि है लगन की और सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस की राशि में मंगल की राशि नीच हो जाती है यहाँ पे शनि। गोचर में जैसे मंगल यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, मंगल का प्रभाव वैसा वैसा शनि की तरह बनता चला जाएगा। मंगल जब कर्क राशि में आएगा उस साल में तो बुरा फल देगा। छठे भाव में मंगल जब आएगा तो शनि जब यहाँ से उसको हिट करेगा तो इनको चोट दुर्घटना का भी चांस बनता है। मंगल की स्थिति जो होगी वो शनि उसको कंट्रोल करेगा। इसके लिए इनको चाहिए कि उस समय अगर हनुमान जी की प्रार्थना करें तो मंगल इनका काफ़ी कंट्रोल रहेगा। मंगल हमारे ब्लड का कर्क होता है, हमारे रिलेशन का भी होता है। जो 9 नंबर के जातक है न्यूमरोलॉजी, उनका स्वामी ग्रह मंगल भी होता है। अब ये शनि कुंभ राशि में सन 2023 में 17-1-2023 को कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में चरण रखेगा, तो मंगल के चरण में ही होगा, लेकिन वो 2 महीने सिर्फ रहेगा उसमें धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि में। 16-3-2023 को ये शतभिषा नक्षत्र में एंटर कर जाएगा। कुंभ राशि में इनकी ढैया शुरू हो जाएगी, वृश्चिक राशि की, चौथे चरण में अपने स्वयं की राशि में ढैया लेके आएगा, और ये ढैया काफ़ी शुभ फल देती है। चौथे घर में अपने राशि में होगा। इस समय शनि इनको लैंड प्रॉपर्टीज़, ज़मीन जायदाद का सुख देगा, वाहन लेगा, मातृ सुख में वृद्धि करेगा, क्योंकि वो शनि का अपना घर होगा। लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि नीच राशि में छठे भाव में जाएगी तो इनकी रोग के प्रति और शत्रुओं से प्रति इनको अलर्ट रहना होगा उस समय। और चौथे घर में शनि जब बैठेगा तो सातवीं दृष्टि से व्यापार भाव को भी देखेगा। व्यापार भाव को जब देखेगा तो व्यापार में बढ़ोतरी करेगा। व्यापार में वक्री के टाइम, वक्री जब 6 महीने चलेगा तो व्यापार में कहीं प्रॉब्लम भी खड़ी करेगा, चेंजेस लाएगा आपके व्यापार में, क्योंकि शनि हमेशा लाइफ में चेंज लाता है। अब ये दसवीं दृष्टि जब लगन को देखेगा तो आपकी मंगल की राशि है, नक्षत्र उसका शतभिषा होगा राहु का, तो चोट दुर्घटना के चांस बनाएगा, क्योंकि लगन को देखेगा। और मंगल जब लगन में आएगा वृश्चिक राशि में तो एक बुरा योग, इसको कहते हैं शनि की दृष्टि जब दसवीं पड़ती है मंगल पे, तो कई बार चोट दुर्घटना करा देता है, या सूर्य आ जाए तो बाप बेटे का आपस में संबंध खराब कर देता है। अब यही शनि 2024 में जब अपना गुरु के नक्षत्र में, पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा, तो गुरु की राशि जो है वृश्चिक राशि वालों की वो है दूसरी राशि है, और पंचम भाव की राशि है, दूसरी राशि धन की राशि है, पांचवी भाव की इसकी राशि जो है वो संतान की है, फल बुद्धि की है। तो कुटुंब परिवार में कोई ना कोई फंक्शन करवा सकता है, कुटुंब परिवार में कोई ना कोई पैसा दिला सकता है, कुटुंब परिवार में वाणी में कोई ना कोई फायदा करेगा, धार्मिक कार्यों में फायदा करेगा, क्योंकि धर्म की राशि है, और उधर से फिफ्थ हाउस को एजुकेशन को प्रमोट करेगा। यही शनि 2024 में जब वक्री होके वापस सतपिशा नक्षत्र में चला जाएगा तो राहु की को हिट करेगा, और राहु जो उस समय इनका उच्च राशि में वृषभ राशि में होगा तो सातवें घर को राहु हिट करेगा और पति पत्नी से ट्यूनिंग खराब करेगा। उस समय पति पत्नी आपस में अगर ट्यूनिंग बना के चले तो ठीक रहेगा मामला इनका। 2025 में शनि जनवरी में फिर से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा, तो उसके बाद 31-3-2025 को शनि मीन राशि में जाएगा चौथे चरण में। तो उसके बाद जो शनि है उत्तर भाद्रपद मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो ये जो है 2026 में मीन राशि में फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चला जाएगा, तो गुरु की राशि है ये,
और गुरु की राशि में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर 2027 में ये रेवती नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में जाएगा। बुध की राशि इनकी 8वीं राशि है और इनकी 11th हाउस की राशि है। और 2027 में ये फिर अश्विनी नक्षत्र में जाएगा केतु के, तो केतु के नक्षत्र में शनि यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अब गुरु की स्थिति इनकी जो है 2019 में सेकंड हाउस में जब जाएगी वृश्चिक राशि वालों की, तो धन में लाभ कराएगा। कुटुंब परिवार में कोई नया मेंबर आ सकता है, जो नए मैरिड कपल है उनके लिए कोई संतान की उत्पत्ति का योग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठेगा धनुराशि में। और वहाँ पे मार्च में एक और ग्रह आपको बता दूँ, केतु महाराज जी आने वाले हैं और शनि के साथ बैठ जाएंगे। तो ये मार्च के बाद थोड़ा सा पापी ग्रहों का जमावड़ा जो हो रहा है, तीन ग्रह आपस में मिल रहे, हाथ मिला रहे हैं आपस में, ये एक कुछ अच्छा साइन नहीं है धरती के ऊपर। इसकी प्रेडिक्शन भी हम आगे बताएंगे कि क्या होने वाला है। कंट्री के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो यही गुरु जब मकर राशि में 2020 में तीसरे भाव में जाएगा, तो मकर राशि नीच की राशि होती है, तीसरे भाव से गुरु जब सात्विक दृष्टि से उच्च राशि को, कर्क राशि को देखो, तो भाग्य में वृद्धि करेगा। और पंचम दृष्टि से सातवें भाव को देखेगा तो पत्नी के साथ ट्यूनिंग बनाएगा, और नौमी दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा तो पैसा दिलाएगा गुरु। गुरु जब कुंभ राशि में 2021 में जब एंटर करेगा चौथे भाव में, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी वाहन आपको दिला सकता है। तो गुरु 2022 में जब मीन राशि में जाएगा पंचम में, तो आपको एजुकेशन में प्रमोट करेगा, आपकी माइंड में फ्लोरिश करेगा, बुद्धि में आपको काफ़ी फायदा देगा। जो स्टूडेंट फॉरेन पढ़ने गए हैं उनको काफ़ी फायदा देगा। तो ये आज हमने ज्येष्ठा नक्षत्र क्या पब्लिक की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बनाया है स्कॉर्पियो राशि की। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। उपाय के तौर पर आप शनि के मंत्रों का जाप करिए, भगवान को पूजिए, हनुमान जी को रोज हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, प्रसाद चढ़ाइए मंगलवार को, गरीबों की सेवा करिए, शनिदेव उससे खुश रहते हैं। और भी जैसे उपाय मैंने शनि के ऊपर डाले हैं वो आप देख सकते हैं वीडियो, जिससे कि आपको काफ़ी फायदा मिले। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा रहते हैं। नमस्कार।